रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज दोबारा से आपके लिए एक अच्छी सी रेसिपी लेके आई हूँ। मैं आज आपके लिए बनाने जा रही हूँ मसाले वाली भिंडी। ली थी आधा किलो भिंडी, चार से पांच जो है वो छोटे साइज़ की मेरे पास प्याजी थी, वो मैंने इसको काट के रख लिया है। 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून काली मिर्चें हैं, 1/2 टीस्पून जो कलौंजी है और हसबे जायका नमक, 1 टीस्पून नमक लिया मैंने, और 1 टीस्पून हल्दी है इसमें, 1/2 टीस्पून जो है इसमें राई दाना है, और ये है 1 चम्मच करके करीब जो है वो दही है, इससे 3 से 4 अदद हरी मिर्चें हैं, और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे जो मैंने काट लिए, और 1 कप के करीब इसमें ऑयल जाएगा। आइए देखिए हम इस रेसिपी को कैसे बनाएंगे। 1 कप ऑयल डालूँगी, इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी ये प्याज। प्याज को बस हमें जो है हल्का सा पिंक करना है। ये देखिए हमारी प्याज जो है वो लाइट पिंक हो चुकी है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी ये टमाटर, हरी मिर्चें, हल्दी, ज़ीरा था, राई थी, थोड़ा कुटी हुई मिर्ची और नमक। सब भूनेंगे मसाला को, ये अच्छी से भून जाएगा, इसके बाद बाकी चीज़ें इसमें मैं शामिल करूँगी। आपको दही बताया था ये हम इसमें डाल देंगे, ये जो राई थी ये डाल देंगे, ऐसा चलाएंगे। इसके साथ ही मैं इसमें भिंडी शामिल कर दूँगी। हम इसको जो है वो तेज़ आँच पर फ्राई करेंगे। ये देखें आप इसकी शक्ल कितनी अच्छी आई है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। 5 मिनट आप इसको तेज़ आँच पे फ्राई कर लें मसालों के साथ। इसको तेज़ आँच पे 5 मिनट तक फ्राई करना है और फिर हम इसको दम पे लगा देंगे हल्की आँच पे। हमारे यहाँ की भिंडी जो है बहुत मज़ेदार से तैयार है आपके सामने, मज़ेदार गरम गरम से। ये आज का खाना हमारा।